हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइज, इन द सीरीज ऑफ रेवेट आर्किटेक्चर दिस इज वीडियो नंबर 33 और आज हम बात करने वाले हैं वॉक थ्रू के बारे में। और बिलीव मी गाइज, ये वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं बनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं पहले मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि वॉक थ्रू होता क्या है। तो इसके एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रखी है, वॉक थ्रू इज अ सिमुलेटेड टूर ऑफ अ साइट और बिल्डिंग। जब हम किसी भी बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं तो उसका एक तरह का टूर एक्सटीरियर से और इंटीरियर से जो हम डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा, उसको हम वॉक थ्रू बोलते हैं। तो बिल्डिंग यूजिंग अ कैमरा पोजिशन प्लेस्ड अलोंग अ पाथ, जो कैमरा हम प्लेस करेंगे वो अलोंग अ पाथ प्लेस करेंगे, क्रिएट अ वॉक थ्रू टू प्रेजेंट योर मॉडल टू क्लाइंट्स और टीम मेंबर्स। तो वो चाहे आप अपनी टीम मेंबर को दिखाइए, अपने कस्टमर क्लाइंट्स जिसको आप दिखाना चाहते हैं, वो पूरा टूर आप दिखा सकते हैं। तो ये वॉक थ्रू दिखता कैसा है, ये होता कैसा है, तो इसके एग्जांपल मैंने रखे हुए हैं। अगर आप वॉक थ्रू को देखते हैं बाहर से, एक्सटीरियर से जब हम वॉक थ्रू को बनाते हैं तो उस पूरी साइट का ऑल द वे एक्सटीरियर हम दिखा सकते हैं कि कंप्लीट जो रेजिडेंस है या कंप्लीट जो हमारी साइट है, वेदर इट्स एन कमर्शियल और रेजिडेंशियल, वो किस तरह से किस तरह से उसका ओवरव्यू है, वो पूरा ओवरव्यू हम एक्सटीरियर वॉक थ्रू के अंदर दिखा सकते हैं। इसी तरह से हम जैसे एक्सटीरियर का वॉक थ्रू बनाते हैं, इसी तरह से हम इंटीरियर का वॉक थ्रू भी बनाते हैं, जिसमें हमारी साइट अंदर से किस तरह की दिखेगी। अगर रेजिडेंशियल साइट है तो एंट्रेंस कैसी होगी, बेडरूम कैसा होगा, किचन कैसा होगा, इस तरह की वीडियोज हमने पहले भी बनाई है वॉक थ्रू की, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका इंटीरियर वॉक थ्रू में आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि वॉक थ्रू आप रेविट आर्किटेक्चर में जब अप्लाई करते हैं तो उसको हाउ टू गेट दैट कमांड, आप उस कमांड को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो इसके दो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो मेथड है वो व्यू टैब में आपको जाना है और अंडर द क्रिएट सेक्शन आप वॉक थ्रू कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा जो तरीका होगा उसमें आप डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएंगे और यहां से आप वॉक थ्रू पे जा सकते हैं। मैं ये दोनों ही ऑप्शन आपको दिखाना चाहूंगा। इसके लिए जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, फाइल पे जाना है, यहाँ से आपको ओपन पे जाना है। ओपन पे जाने के बाद अब मैं एक डिफॉल्ट मॉडल ले रहा हूँ, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप सभी अपने कंप्यूटर में इस मॉडल को एक्सेस कर पाएं और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट आपको बताऊं उसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कर पाएं। तो यहाँ पे हम सैम्पल मॉडल पे जाते हैं और फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है स्कूल मॉडल, टेक्निकल स्कूल। तो ये वाले साइट में यहाँ पे एक्सेस करने वाला हूँ और यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे ये मॉडल हमारा ओपन हो गया है, इसका 3D व्यू भी देख लेते हैं। तो ये इसका कंप्लीट 3D व्यू है। अब वॉक थ्रू, हम इस पूरी साइट का वॉक थ्रू करना चाहते हैं तो वॉक थ्रू को कैसे आप एक्सेस करेंगे ये हम समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया, आपको व्यू पे जाना है और व्यू पे जाने के बाद आप डायरेक्टली कहां जाएंगे, यहां से क्रिएट पैनल में जाएंगे और क्रिएट पैनल में आपके पास 3D व्यू जो ऑप्शन है यहां पे आप देखेंगे वॉक थ्रू ऑप्शन है। तो पहला तो आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आपको जाना है क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपका टॉप में होता है और बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में ये टॉप में विजिबल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको जस्ट इतना सा करना है, यहां पे शो बिलो द रिबन, तो वो यहाँ पे विजिबल होगा। ये बहुत सारे सिस्टम में ग्राफिक्स के इश्यूज आते हैं तो ये जो क्विक पैनल है ये टॉप में विजिबल नहीं होता है। तो आपको सिंपली बस राइट क्लिक करना है टॉप पैनल में, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टॉप पैनल में जाके राइट क्लिक करना है अगर ये विजिबल नहीं होगा, और डायरेक्टली आपको क्लिक करना है शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ऑप्शंस आपके एक्सेस हो जाएंगे। तो यहां से भी क्विक एक्सेस टूल बार में आप देखेंगे तो वॉक थ्रू का ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा। तो ये दो तरीके हैं इसे एक्सेस करने के। और जो तीसरा तरीका है वो ड्यूरिंग द वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसका शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं या उसे बना सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वॉक थ्रू के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वॉक थ्रू मोस्टली लोग जानते होंगे जो रेविट आर्किटेक्चर की सीरीज हमारी देख रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने पहले भी वॉक थ्रू पे काम किया होगा अगर आप बिगिनर हैं तो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एन एक्सपर्ट
स्पेशली आप वॉक थ्रू के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, बिकॉज मैं सब कुछ इसमें कवर करने वाला हूँ, किस तरह से आप वॉक थ्रू को एडिट करेंगे, फ्रेम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये भी बताने वाला हूँ कि फ्रेम के अंदर जो वॉक थ्रू की फ्रेम होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रेम, फ्रेम पर सेकेंड का क्या रोल होता है, टोटल टाइम को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेटर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटर का क्या रोल है, ये कंप्लीट चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ ऑल द वे। उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टी के अंदर, और प्रॉपर्टी में मैं सिर्फ एक दो ऑप्शन नहीं बल्कि कंप्लीट प्रॉपर्टी के एक एक ऑप्शन आपको क्लियर करूंगा। डिटेल क्या होता है, विजिबिलिटी में क्या आएगा, डिसिप्लिन में क्या आएगा, उसके अलावा क्रॉप में, क्रॉप रीजन, मतलब एक एक ऑप्शन यहां पे हम सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद जब आप यहां पे प्लेस कर देंगे अपना कैमरा, और कैमरा प्लेस करने के बाद जब हम पाथ डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास कंट्रोलिंग के ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक्टिव कैमरा, पाथ, ऐड की फ्रेम और रिमूव की फ्रेम, ये सारे ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं। ये सब कुछ सेट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो कंप्लीट वॉक थ्रू हमने सेट किया है उसको किस तरह से हम वॉक थ्रू को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, और उस वीडियो की लेआउट के फॉर्मेटिंग का कंप्लीट सेटिंग भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइज, अगर आप ये सारी चीजें ऑलरेडी जानते हैं सो यू कैन स्किप दिस वीडियो, और अगर आप ये पूरी चीजें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस इन डिटेल हम फ्यूचर में भी लाने वाले हैं। सो गाइज, ये हमारा रेविट सीरीज का वीडियो नंबर 33 है, तो इससे पहले भी हमने काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस रेविट पे बनाए हैं, तो वो वीडियोस भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले हम कोई भी अपना एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो डिफ़ॉल्ट फाइल है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे आप ओपन करेंगे। तो एक सैम्पल फाइल ले लेते हैं ताकि आप सभी ईजिली उस पर काम कर सकें, आप खुद भी उसे प्रैक्टिस करके देख सकें। तो इसके लिए आपको ओपन टैब पर आना है, और यहाँ से आपको बॉटम में जाना है सैम्पल फाइल पे, और सैम्पल के अंदर आपको ये टेक्निकल स्कूल वाली जो फाइल है ये आपको लेनी है। इस तरह की बिल्डिंग होगी, ये सभी पुराने वर्जन में भी अवेलेबल है, तो आप कोई भी पुराना रेविट का वर्जन यूज़ करते हैं आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको ओपन करना है। ओपन होने के बाद आप देखेंगे प्रोजेक्ट को इस तरह से ओपन होगा, आपको यहाँ पे 3D पे क्लिक करना है और ये प्रोजेक्ट आपको इस तरह से विजिबल होगा। अब वॉक थ्रू के अंदर सबसे पहले आप यहां से ड्रैग करेंगे प्रोजेक्ट ब्राउजर को, और यहां पे आपको बाय डिफॉल्ट वॉक थ्रू के अंदर यहां पे आपको बाय डिफॉल्ट एक पहले से बना हुआ वॉक थ्रू नजर आएगा, फ्लाई इनटू बिल्डिंग। यहां पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि वॉक थ्रू किस तरह से काम करता है। तो मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप शो कैमरा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट वॉक थ्रू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ओपन वॉक थ्रू पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप इसे प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 करना होगा, बिकॉज हम पहली फ्रेम से चेक करेंगे, और पहली से भी टोटल फ्रेम है 300। आगे हम डिटेल में जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, अभी मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये आप सभी अपने अपने सिस्टम में टेस्ट करके देख सकते हैं, ये वॉक थ्रू सभी के सिस्टम में काम करेगा, ये पहले से इसमें प्रीडिफाइंड सेव है। सो गाइज, वॉक थ्रू का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ की हाइट पे डिपेंड करता है, और कैमरा के टारगेट पे डिपेंड करता है। तो जिस भी तरह का आप पाथ बनाएंगे, वेदर इज स्ट्रेट और स्मूथ, उसी तरीके से आपका जो कैमरा है वो वॉक करेगा उस पाथ के अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से हमने ये पूरा पाथ डिज़ाइन किया हुआ है बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये उसका एक सैम्पल आप इस तरह से देख पा रहे हैं। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट एक सैम्पल वॉक थ्रू है। अब हम खुद से चेक करते हैं कि वॉक थ्रू को कैसे हम बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट है इसे आप चाहें तो डिलीट कर दें, चाहें तो आप रख सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं। मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूं। तो अभी हमारे पास यहां पे आप देखेंगे कोई वॉक थ्रू नहीं है।
तो जैसे ड्रैग करेंगे आप देखेंगे वॉक थ्रू यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो वॉक थ्रू अब हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रीफर करूंगा कि लेवल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अगर आप खुद मॉडल बनाते हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन सा लेवल है, बट क्योंकि ये सैंपल मॉडल है तो इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले आप एक बार एलिवेशन चेक कर लें तो आपको पता लग जाएगा ग्राउंड फ्लोर जो है उसका नाम क्या है। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके, मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा है यहाँ से ग्राउंड फ्लोर, तो ये हमने चेंज कर दिया, इसे यस करेंगे तब ये चेंज हो चुका है। यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने एलिवेशन पर डबल क्लिक किया तो ये एक्टिवेट हो गया है, और यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकते थे, ग्राउंड फ्लोर पर डबल क्लिक करते तब भी ये एक्टिवेट हो जाता है। अब सबसे पहले मैं पाथ आपको बता देता हूँ, पाथ के लिए आप व्यू पर जाके भी यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए, वॉक थ्रू क्लिक किया हमने, तो जैसे ही आप वॉक थ्रू को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो यहाँ पे टास्क बार है रिबन है, इस रिबन के अंदर यहाँ पे आपको एक बार नज़र आएगी जिसमें सबसे पहले है प्रस्पेक्टिव। अगर आप कैमरा व्यू एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको प्रस्पेक्टिव ऑन करना है। प्रस्पेक्टिव अपने आप में एक डिटेल कॉन्सेप्ट है जिसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रस्पेक्टिव होता है। क्या इसमें डिफरेंस है इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार गूगल ज़रूर कर लें, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि प्रस्पेक्टिव अगर हम ऑन करेंगे तो कैमरा व्यू को एग्जैक्टली आप प्रस्पेक्टिव व्यू में देख पाएंगे। यहाँ पे आपको स्केल है, जो भी आपकी ड्राइंग का स्केल है वही स्केल बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस है, ऑफसेट डिस्टेंस एक तरह से यहाँ पे आई लेवल है। जनरली आप जब कोई भी वॉक करते हैं या वॉक थ्रू खुद करते हैं प्रैक्टिकली किसी भी साइट का, तो आपका जो आई लेवल है वो लमसम इतना ही होता है, 5 फीट 2 इंच या 5 इंच के आसपास, तो वही आप यहाँ पे देखेंगे 1750 mm, उसे आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये उतना ही होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जब आप फर्स्ट फ्लोर से या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाएं तो किस तरह से वॉक थ्रू में जाएंगे, तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि जब आप जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पे जो अपनी फ्रेम है की फ्रेम है उसको आपने स्टार्ट किया, तो अभी जो हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं अपने पाथ को ये ग्राउंड फ्लोर से 1750 mm ऊपर है, तो यहाँ से अगर आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जंप करना चाहते हैं तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली हाइट पे चला जाएगा अगर आप इसे चेंज कर देंगे तो। तो मान लीजिए यहाँ से मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैंने इसे कर दिया 4000, एंटर। ये मैं सिर्फ सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो ये 4000 की हाइट पे गए और वापस से हम 1750 पे आ जाते हैं, तो ये वापस से हम नीचे आ गए। तो ये पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। मान लीजिए मैंने इसे ओके किया तो ये हाइट का डिफरेंस मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर हम वॉक थ्रू के अंदर और डिटेल में जाएंगे। तो अगेन हम एडिट वॉक थ्रू पे गए, ओपन किया वॉक थ्रू को और पहली फ्रेम पे हम चले जाते हैं। ठीक है, पहली फ्रेम पे आने के बाद वापस हम इसे प्ले करके देखते हैं, तो जो हाइट के बीच में डिफरेंस है मैं उसे एक बार क्लियर कराने के लिए ये सैंपल आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे अभी देखिए एक सर्टेन हाइट पे हमारा एक आई लेवल पे जा रहा है कैमरा, और इस आई लेवल से सडनली ये एक हाइट यहाँ से ये आप देख सकते हैं, अब ये उस हाइट के ऊपर जा रहा है जो हाइट हमने डिफाइन की थी 4000 mm। ये देखो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, वापिस से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा है। तो इस तरह से आप वॉक थ्रू को खुद चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो वापिस से हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, ये वॉक हमें नहीं चाहिए, ये पाथ हमें नहीं चाहिए, तो इस पाथ को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग, बिल्कुल फ्रेश तरीके से, बिल्कुल स्टार्ट से कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। तो वॉक थ्रू जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ये ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए, इनका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले वॉक थ्रू अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से की फ्रेम डिफाइन करना होता है। की फ्रेम आगे चल के और अच्छे से आप समझ जाएंगे की फ्रेम का यूज़ क्या होता है। अभी ये देखिए, अभी हम यहाँ से पाथ हमारा जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि किस तरह से हमें पाथ जो है वो विजिबल कराना है। तो ये मुझे इस तरह से जो पूरा व्यू है ये मैं दिखाना चाहता हूँ कंप्लीट साइट को कुछ इस तरह से, और ये हमारा कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया में आने के बाद यहाँ से हम इसे वापस से एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे कॉरिडोर के अंदर लाके छोड़ देते हैं। तो ये हमने पूरा एक जो पाथ है वो पाथ हमने डिज़ाइन किया है और यहाँ से इसे फिनिश कर देते हैं। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगेन आपको एडिट वॉक थ्रू पे जाना है और इस कैमरा को आपको एक्टिवेट करना है। तो अगेन आप ओपन वॉक थ्रू करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब ये कॉरिडोर आपको दिख रहा है, ये मैं पहली फ्रेम पे इसे ले जाता हूँ। अगेन ये एक्सटीरियर आ गया पहली फ्रेम पे,
यहाँ से आप कोई भी फ्रेम पे जंप कर सकते हैं सीधा, 50 फ्रेम पे जाना है, 120th फ्रेम पे जाना है, तो जिस भी फ्रेम पे आप जंप करना चाहें डायरेक्टली आप जंप कर सकते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए अभी मैंने 50 फ्रेम रखा है, सो आउट ऑफ 300, अब आप सोचेंगे कि ये 300 फ्रेम यहाँ पे कैसे आया, तो इसे समझ लेते हैं। देखिए, आपका पाथ जितना भी आप डिस्टेंस का पाथ बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर को एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखना पड़ेगा जिसको आपके पाथ के साइज के रेशियो में वो डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अब जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे गए, ये जो आपने पाथ बनाया है, कंप्लीट पाथ बनाया है, इसे आप देखेंगे तो आपको ये रेड स्पॉट आपको नजर आएंगे यहाँ पे। ये जो रेड स्पॉट है ये आपके की फ्रेम है। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, की फ्रेम अलग चीज होती है, फ्रेम अलग चीज होती है। इस की फ्रेम और इस की फ्रेम के बीच में हो सकता है कि आपकी 25 फ्रेम्स हो सकता है कि इसके बीच में आपकी 10 फ्रेम्स हो, या हो सकता है इस की फ्रेम और इस की फ्रेम के बीच में आपकी 10 फ्रेम्स हो। तो ये किस तरह से होता है, इसका जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दीजिए 300 से, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना है। अब ये भी आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी हम देख लेंगे। अभी एट प्रेजेंट हमारा कैमरा जो है ये 50 फ्रेम हमारी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हमारा कैमरा है, एट प्रेजेंट हमारा कैमरा यहाँ पे है। अब इसको फ्रेम को और की फ्रेम को समझिए। देखिए, 50 से अगर आप यहाँ से नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, तो नेक्स्ट फ्रेम कौन सा है, 51। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट फ्रेम, ये आपका नेक्स्ट फ्रेम 58, नेक्स्ट फ्रेम 59, नेक्स्ट फ्रेम, आप देखेंगे कैमरा ना एक स्टेप के अंदर मूव कर रहा है, एक सीक्वेंस में मूव कर रहा है एक एक फ्रेम के अंदर। ये देखिए, नेक्स्ट 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 एक एक फ्रेम में मूव कर रहा है। लेकिन जो ऑप्शन है आपका, अगर आप इसे जंप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बैक करता हूं, तो मैं प्रीवियस फ्रेम एक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली प्रीवियस की फ्रेम करूंगा, तो इस रेड स्पॉट से मैं जंप कर जाऊंगा यहां, यहां से मैं जंप कर जाऊंगा यहां, और यहां से यहां। तो आप देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, तो इस तरह से आपको बल्क फ्रेम में मूव करना है, तो आप डायरेक्टली की फ्रेम में भी जा सकते हैं। अब आपका सवाल दिमाग में आएगा कि ये की फ्रेम का रोल क्या है, तो देखिए, की फ्रेम का रोल होता है कि आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्मूदनेस के साथ क्रिएट किया जाए। तो जहां पे भी आपको लगता है, जैसे यहां पे लगता है कि आप अपनी स्मूदनेस को, जैसे यहां पे आपको लगता है कि स्मूदनेस यहां से प्रॉपर तरीके से स्मूदनेस नहीं आ रही है, यहां पे स्मूदनेस नहीं आ रही है, तो आप इन की फ्रेम के थ्रू भी अपने पाथ को एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करते हैं, देखिए, कंट्रोल के अंदर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, मैं ये चारों ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले होता है एक्टिव कैमरा। एक्टिव कैमरा का रोल क्या है समझ लेते हैं। एक्टिव कैमरा में आप जहां पे भी हैं, एट प्रेजेंट आप जहां पे भी हैं, आपके कैमरा की जो डायरेक्शन है, मान लीजिए हम ये सामने वाला व्यू जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, तो इसे आप पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने इसे चेंज कर दिया, तो अब आप नोटिस करेंगे कि जब पहले हमने ये 20 नंबर पे जो हमारी फ्रेम है उसे जब एक्टिवेट किया था, तो हमारा साइड ये आ रहा था। जैसे मान लीजिए आप इसे 50 कर लीजिए, तो अभी हम 50 वाले नंबर पे हैं, और 50 वाले नंबर पे आप अगर कैमरा को देखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं, अभी हमारा साइड जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। और यहां से आप चाहें तो इस कैमरा को रीसेट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कैमरा ये वाला एंगल दिखाए, तो उसके लिए आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, और इसी के अंदर ये वाला जो कैमरा है इसे रीसेट करना है। तो जैसे आप रीसेट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसे आप एक्सेस दे सकते हैं, ये हमारा एक्टिव कैमरा है फ्रेम नंबर 50 के ऊपर, और ये इसकी रेंज है। यहां से आप नोटिस करेंगे ये रेंज है कि आप कितना व्यू दिखाना चाहते हैं, कितना डेप्थ में आप जाना चाहते हैं, और ये कंट्रोल आप यहां से चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पे क्लिक किया, तो यहां से भी आप देख सकते हैं, अभी हमने वॉक थ्रू में ये वाला पाथ बनाया है, तो इस पर राइट क्लिक करके भी आप इसे शो कैमरा कर सकते हैं, तो ये आपका पाथ जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, और यहां से आप एडिट करके ये जो हमारा कैमरा है अभी, ये जो एंगल है, इस एंगल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रिप देखना पड़ेगा, ये देखिए, ये एग्जैक्टली हमारा ग्रिप है यहाँ पे। तो जैसे आप ग्रिप पे आएंगे, अब आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी हमें 37 फ्रेम पे, तो 37 को मान लीजिए मैंने टारगेट कर दिया इधर, इस साइड मैंने टारगेट कर दिया। तो टारगेट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे, तो देखेंगे अब आप ये साइड का व्यू देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब अगेन मैं इसे चेंज करना चाहता हूं, तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से ग्राउंड फ्लोर को एक्टिवेट करना है अगेन, और जो मेरा कंट्रोल था वॉक थ्रू के ऊपर, तो यहां से हम वॉक थ्रू को दोबारा एक्टिवेट करते हैं, शो कैमरा, एडिट, और 37 पे भी हमें, मैं इसे चेंज करके वापस से
फ्रंट में ले आता हूँ, मुझे सामने वाला व्यू दिखाना है। तो वापस से आप ओपन करके देखेंगे, ये देखिए अभी ये सामने वाला व्यू आ गया। तो इस तरह से आपका जो पहला ऑप्शन है एक्टिव कैमरा, ये आपका काम करता है। अब इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में क्या है, देखिए वापस से हम यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे गए और यहाँ से मैंने एडिट किया। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कंट्रोल में, दूसरा ऑप्शन है पाथ। अब पाथ के अंदर क्या है कि मेरा जो कैमरा है वो इस पाथ के अराउंड यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है की फ्रेम पे, यहाँ से यहाँ। तो आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं अभी अपनी मर्जी से। ये देखिए मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे जाए। तो अभी आप अगर कैमरा को प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कैमरा इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं वापिस से एस्केप करता हूँ, वापिस से यहाँ पे आ गए। तो ये आपका हो गया पाथ। उसके बाद ये जैसा भी आप चाहें पाथ को, जिस भी तरह से चाहें वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ जैसा भी करना है आप कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, आप इजिली चेंज कर पाएंगे, इवन जैसा भी करना चाहें। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन हो गए हमारे। नेक्स्ट प्रीवियस क्या है, नेक्स्ट फ्रेम में और की फ्रेम में क्या डिफरेंस है, प्ले कैसे होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ओपन वॉक थ्रू में हम जो अपना कैमरा है उसका व्यू एक्टिवेट करते हैं, रीसेट से हम कैमरा का एंगल चेंज करते हैं। यहाँ पे एक्टिव कैमरा हो गया, पाथ हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड की फ्रेम। ऐड की फ्रेम का मतलब क्या होता है कि यहाँ से और यहाँ तक, ये मेरा की फ्रेम यहाँ है और यहाँ है, लेकिन मुझे यहाँ पर मेरे कैमरे का डायरेक्शन चेंज करना है, जबकि मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक्टिव कैमरा किया, ये मेरा कैमरा यहाँ पे है 37 पे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ 43 फ्रेम पे। तो जैसे ही मैं 43 पे जाता हूँ, अब ये आप देखेंगे ग्रिप ना एडिट नहीं हो रही है, मतलब मैं मेरे कैमरा के एंगल को चेंज नहीं कर सकता। तो अगर आप कैमरे के एंगल को चेंज करना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम गए ऐड की फ्रेम पे और यहाँ से मैंने एक की फ्रेम ऐड कर दिया इस पॉइंट पे। की फ्रेम ऐड करने के बाद मैं वापस से कैमरा पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं की फ्रेम पे लेके आता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं मेरे कैमरा को चेंज कर पा रहा हूँ, जिस भी एंगल में मैं घुमाना चाहता हूँ उस एंगल में रोटेशन में इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो आई होप आप ये जो डिफरेंस है ऐड की फ्रेम से किस तरह के इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं और इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है डायरेक्शन के अंदर ड्यूरिंग द वॉक थ्रू, तो आई होप आप ये भी समझ पाए होंगे। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव की फ्रेम। अब आपको लगता है कि कोई की फ्रेम, जैसे यहाँ पे आपको लगता है कि की फ्रेम का कोई रोल नहीं है या कहीं पे भी आपको जैसे ये मोमेंटम यहाँ नहीं चाहिए, तो आप इस की फ्रेम को रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। तो अगर आप रिमूव भी करना चाहें तो की फ्रेम को आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंट्रोल के सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। अब यहाँ से मैं वॉक थ्रू को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ओपन वॉक थ्रू किया, ये सामने वाला मेरा व्यू आ गया है। अब इतना आने के बाद देखिए, बहुत बार ऐसा होगा जब आप ये वॉक थ्रू एक्टिवेट करेंगे तो ऊपर से ऑप्शन चले जाएंगे, तो घबराना नहीं है, इसे ड्रैग करके नीचे आना है, वॉक थ्रू पे राइट क्लिक करना है और शो कैमरा कर देना है, दैट्स इट। तो आपको एडिट वॉक थ्रू का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट हम समझ लेते हैं फ्रेम के अंदर इनका क्या रोल है। तो जैसे ही ये एक्टिव, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे आप प्ले करके आगे बढ़ेंगे ये आपको अपडेटेड फ्रेम दिखाता रहेगा। ये जो डिफॉल्ट फ्रेम सेटिंग है, अब हम इसे समझ लेते हैं। तो ये आपकी है डिफॉल्ट फ्रेम सेटिंग, इसका क्या रोल है। इसका रोल ये होता है कि जो टोटल लेंथ है हमारे पाथ की उसको डिवाइड कर दिया हमने 300 फ्रेम के अंदर और एक सेकेंड में हम 15 फ्रेम को घुमा रहे हैं। तो एक सेकंड में जब आप 15 फ्रेम को ट्रैवल करवाएंगे तो 300 फ्रेम कितने सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप इसे चेंज कर देते हैं कि मैं पर सेकंड 10 फ्रेम्स को घुमाना चाहता हूं तो ये 20 सेकंड हो जाएंगे 30 सेकंड। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। यूनिफॉर्म को हमने हटाया, अप्लाई किया, तो अब फ्रेम पर सेकंड ये हो गया यहाँ पे 30, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या है। देखिए अब मैं पहले आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे यहां से मान लीजिए मैंने अपने वॉक थ्रू को प्ले किया, तो आप प्ले में देखेंगे कि एक ही स्पीड पे मेरा कैमरा चल रहा है, ना वो स्लो हो रहा है ना वो फास्ट हो रहा है। वो अगर फास्ट है तो फास्ट ही चलेगा, स्लो है तो स्लो ही चलेगा, कहने का मतलब है एक ही स्पीड के ऊपर वो चल रहा है। लेकिन ये एक्सेलरेशन को अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने टोटल नंबर ऑफ फ्रेम 300 की बजाय, क्योंकि 300 पे मेरा कैमरा काफ़ी फास्ट चल रहा है, तो मैं 1200 कर देता हूँ। और 1200 करने से जो मेरा टोटल लेंथ है पाथ का, उसके रेशियो में जो अभी 300 फ्रेम थी वो 1200 फ्रेम हो गई है, लेकिन मैं ट्रैवल अभी भी कितनी फ्रेम पे कर रहा हूँ,
ट्रैवल में अभी भी 10 फ्रेम पे ही कर रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि टोटल लेंथ मेरे पास ज्यादा हो गई है तो मेरे वीडियो की ड्यूरेशन भी 120 सेकंड हो गई है। दैट मीन्स कि अब मेरा कैमरा थोड़ा स्लो काम करेगा। ये देखिए मेरा वॉक थ्रू पहले से काफी स्लो है और ये काफी जेन्युइन भी है। ये देखिए तो इजिली हम वॉक कर रहे हैं अपने मॉडल के अराउंड। ये देखिए यहां से हमने एंटर किया तो ये स्पीड जेन्युइन है, ये हम रख लेते हैं। अब इस स्पीड के साथ में भी हमें एक्सेलरेशन में चेंज करना है, कभी हमें इसे और स्लो करना है, जैसे कहीं हमें टर्न करके दिखाना है रूम के अंदर तो हम इसे स्लो करना चाहते हैं, या फिर हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में इसे फास्ट करके दिखाना है या लॉबी में फास्ट करके दिखाना है तो वहां हम इसे फास्ट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट आप देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड जो है ना वो ऑन होता है, तो ये जितने भी एक्सेलरेशन जितनी भी हमारी की फ्रेम के बीच की स्पीड है वो डिफॉल्ट एक्सेलरेटर 1 होता है और ये स्पीड भी आपको डिफॉल्ट नजर आएगी। तो आपको इसे यहां से अनचेक कर देना है। और अब मैं यहां से चाहता हूं कि कहीं पे मेरी स्पीड जो है वो 3 गुना हो जाए, कहीं पे मेरी स्पीड 5 गुना हो जाए। तो अब आप देखेंगे 136 से 165 तक मेरा कैमरा जो है वो 5 गुना स्पीड से रन करेगा और 61 से 114 तक यहाँ पे 3 की स्पीड पे काम करेगा। तो मैं 50 पे मेरे कैमरा को ले जाऊंगा, पहले फास्ट फिर स्लो एंड देन सुपर फास्ट देन अगेन स्लो। तो यहां से हम जरा चेक करते हैं, इसे मैंने ओके किया तो है, अभी देखो सडनली फास्ट हुआ, फिर से स्लो हो गया देन अगेन फास्ट होगा। ये देखिए ये फास्ट हुआ फिर से स्लो हो गया। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें अपने कैमरा के कंट्रोल को मैनेज करना है, तो वो एक्सेलरेटर से आप यहां से मैनेज कर सकते हैं इसे ऑफ करने के बाद। अगर आप इंडिकेट भी करना चाहते हैं तो यहां से आप इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं, तो आपकी फ्रेम जो है वो इंडिकेट होती रहेंगी। अभी हमें इतना ही चाहिए तो हम इसे ओके कर देते हैं। उसके बाद यहां से मान लीजिए हम चले गए 55th फ्रेम पे या 250 फ्रेम पे, यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद अब देखिए आगे की चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पे इतना हमने कर लिया की फ्रेम को, अब मैं आपको प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आता है डिटेल लेवल। डिटेल लेवल के अंदर पहला ऑप्शन है मीडियम, तो यहाँ पे किस तरह की डिटेल आप शो करना चाहते हैं, कोर्स डिटेल शो करना चाहते हैं तो आपको उस तरह की डिटेल्स नजर आएंगी। इसे आप गौर से देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप फाइन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे फाइन डिटेल्स विजिबल हो रही हैं, जैसे यहाँ पे हल्का सा इम्पैक्ट आपको नजर आएगा, ये देखिए तो बहुत ही लिटिल बिट है, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी वायर फ्रेम में काम कर रहे हैं तो इतना आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो अगर स्पीड आप अच्छी रखना चाहते हैं तो कोर्स रख सकते हैं, अगर आप फाइन रखेंगे तो स्पीड आपकी थोड़ी सी प्रोसेसर पे लोड पड़ेगा तो स्पीड हो सकता है आपकी स्लो या सिस्टम आपका लैग करे। उसके बाद आता है पार्ट विजिबिलिटी। देखिए यहाँ पे आप शो पार्ट कैसा रखना चाहते हैं, सिर्फ आप पार्ट से शो करना चाहते हैं, जो ओरिजिनल मॉडल है वो आप शो करना चाहते हैं, आप दोनों शो करना चाहते हैं, तो मैं शो बोथ कर लेता हूँ तो दोनों ही मेरे पार्ट्स भी मॉडल भी दोनों अपीयर होंगे। फिर इसके अंदर आता है आपका विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स। तो विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे और आगे मूव करता हूँ, लाइक मैं 500 पे जाता हूँ तो यहाँ पे आ गया मान लो, इसके बाद 700। ये देखिए अभी 700 में फ्रेम पे हूँ, आप चाहें तो इसे फ्रेम को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है इसके अंदर आपको चेयर नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में एडिट करके आप चाहें तो कंट्रोल आपके पास पूरा पूरा है। आप कॉलम को, अब जैसे ये कॉलम आपको यहाँ नजर आ रहा है, आपको ये कॉलम नहीं चाहिए तो मैंने कॉलम को अनचेक किया, अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ से मेरा जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। हो सकता है ये स्ट्रक्चरल कॉलम हो, तो उसी तरह से हम स्ट्रक्चरल डिटेल में चले जाएंगे। तो कॉलम है इसी तरह से कर्टेन एंड डक्ट फ्रेमिंग लाइनिंग, जैसे फर्नीचर है तो सामने आपको फर्नीचर दिख रहा है, मैंने अनचेक किया ओके, तो आप देखेंगे मेरा फर्नीचर जो है वो ऑफ हो गया है यहाँ से। तो इसी तरह से ये जिस कैटेगरी का पार्ट है वो कैटेगरी आप ऑफ करेंगे तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम दोबारा से इसे ऑन कर लेते हैं, हो सकता है कॉलम दूसरे वाले ऑफ हो गए हों, तो यहां से हम चेक कर लेते हैं कॉलम्स को, अप्लाई एंड ओके। तो अभी हमने फर्नीचर को ऑफ कर दिया तो उसकी विजिबिलिटी ऑफ हो गई है। फिर आता है ग्राफिक डिस्प्ले, मतलब अब यहां पे आप सारी चीजें कर सकते हैं, मॉडल कैटेगरीज में जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं कंप्लीट। ये देखिए स्ट्रक्चर का यहाँ पे आ गया नीचे बॉटम में, तो स्ट्रक्चर कॉलम है मैंने ऑफ किया अप्लाई, तो ये देखिए ये यहाँ से स्ट्रक्चरल कॉलम भी ऑफ हो गया है, मुझे ऑन ही रखना है, अप्लाई तो ये ऑन हो गया है। तो जैसे हमने स्ट्रक्चरल कॉलम को किया ऐसे ही आप डायमेंशन को भी कर सकते हैं, एनालिटिकल मॉडल डिटेल्स, इंपोर्टेड अगर कुछ इंपोर्ट किया है उसे भी, और फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां से कंट्रोल होंगी। उसके बाद आता है ग्राफिक डिस्प्ले। ग्राफिक डिस्प्ले में जब आप जाएंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको वॉक थ्रू दिखाना कैसा है। अभी हम हिडन में दिखा रहे हैं, मान लीजिए मैं शेडेड में दिखाना चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरी शेडेड डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपकी अपीयर हो जाएंगी।
मुझे हिडन में ही दिखाना है, लेकिन मैं शेडो ऑन करके दिखाना चाहता हूँ, कास्ट शेडो और एम्बियंट दोनों। तो यहाँ पे देखिए हिडन में ही है, लेकिन जैसे ही मैंने शेडो को ऑन किया, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज कास्ट शेडो, जैसे अगर मैं यहाँ से कास्ट शेडो को ऑफ कर दूंगा तो जो कॉर्नर्स हैं ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे, लाइट थोड़ा डुप्लीकेट नजर आएंगे। जैसे आप कास्ट शेडो को ऑन करेंगे तो आपको रियलिटी नजर आएगी मॉडल में काफी हद तक। तो मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप वॉक थ्रू वायर फ्रेम में कर रहे हैं तो मेक श्योर कास्ट और एम्बिएंट दोनों को ही आप ऑन रखें, ये बेटर रहेगा। उसके अलावा आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें मैं आपको प्रीफर करूंगा आप स्काई ऑप्शन को ऑन करें। तो बैकग्राउंड देखिए अभी बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, अप्लाई करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपको बैकग्राउंड भी नजर आएगा। तो इस तरह से आप पूरी सेटिंग को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन पे, तो ये हमारी इसी सीरीज में, जैसे ये 33rd वीडियो है तो शुरुआत की वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन पे मैंने अलग से पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। इतना करने के बाद यहाँ से आगे फिर हमारे पास डिसिप्लिन है। देखिए दोस्तों डिसिप्लिन क्या होता है कि अभी हम आर्किटेक्चरल मॉडल हमने बनाया हुआ है तो हम आर्किटेक्चरल डिटेल ही देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने रेविट के अंदर MEP वर्क भी किया है, मतलब मैकेनिकल डक्टिंग वगैरह भी लगाई हैं, आपने इलेक्ट्रिकल वर्क भी किया है, प्लम्बिंग वर्क भी किया है, तो यहाँ से आप सिर्फ फिल्टर भी कर सकते हैं। आप सिर्फ प्लम्बिंग डिटेल्स देखना चाहते हैं तो अप्लाई करेंगे तो अभी यहाँ पे ना प्लम्बिंग डिटेल्स आ जाएंगे। अभी इस मॉडल में हमने प्लम्बिंग में काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसी तरह से आप अपने मॉडल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिटेल दिखाना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फिल्टर होके आ जाएगा। तो फ्यूचर में मैं इस तरह का वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें सभी तरह के हम यहाँ पे पार्ट्स रखें एक ही मॉडल में, और जब उसको फिल्टर करें, अगर आपके पास मॉडल है, जैसे इसके सैंपल मॉडल ही आपको रेविट में मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको MEP के पार्ट्स भी मिलेंगे, तो वहाँ पे आप ये डिसिप्लिन अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ से आर्किटेक्चर ही रखना है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट एनालिटिकल में आपको नन ही रखना है। सन पाथ अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे चेक कर सकते हैं, तो सन का जो रोटेशन है 3D में एक्सटीरियर के अंदर वो भी आप देख पाएंगे कि किस मोमेंटम, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में राइज टू सनसेट हो रहा है, तो वो पूरा पाथ भी आपका विजिबल हो जाएगा। अभी हम इसे ऑन रखते हैं, ऑफ रखते हैं। क्रॉप रीजन में क्या होता है कि ये आपका क्रॉप रीजन है, जितना जितना मान लीजिए अगर आपने स्प्लिट किया हुआ है सेक्शन के थ्रू, तो क्रॉप रीजन ऑफ करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अभी जो लाइन यहाँ पे अभी तक आ रही थी और उसे आप बढ़ा पा रहे थे वो अभी आपके पास फ्रीडम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो अभी देखो मेरे पास दोबारा से ये फ्रीडम आ गई कि मुझे इतना दिखाना है, इतना दिखाना है, या बॉटम में मुझे और दिखाना है, तो मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। तो ये फ्रीडम मुझे कब मिलती है? ये फ्रीडम मुझे तब मिलती है जब यहाँ से एक्सटेंट्स के अंदर मैं क्रॉप रीजन को ऑन रखता हूँ। इसी तरह से फार क्लिप एक्टिव है, फार क्लिप एक्टिव के अंदर मैंने इसे ऑफ किया तो मेरा जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है मेरा कैमरा, वो कहाँ तक कवर कर रहा है, तो ये देखो ये मेरा डिस्टेंस है। अभी मैं इसे एडिट नहीं कर सकता, फार क्लिप को जैसे ही ऑन करूंगा तो ये मैं एडिट कर सकता हूँ। देखिए अभी ये मेरा डिस्टेंस है 41,494, ये MM है। मान लीजिए मैंने 20,000 कर दिया, अभी आप गौर से देखिएगा, ये देखिए डिस्टेंस छोटा हो गया, पहले दूर तक कवर कर पा रहे थे, अभी ये छोटा हो गया है। मान लीजिए मैं 500 रखता हूँ सिर्फ अप्लाई, तो अभी आप देखेंगे 500 में कुछ भी कवर नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत कम होता है 500 mm। तो हम यहाँ से रख लेते हैं 1000 या 10,000, ओके ये 10,000 में, ये देखिए 10,000 तक अभी हमारी बिल्डिंग भी कवर नहीं हुई है 10,000 mm में, सिर्फ ये फ्रेम कवर हुआ है। अब मैं इसे 20,000 कर देता हूँ एंड अप्लाई, तो ये देखिए पूरी फ्रेम कवर हो गई है। तो अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो ये मैक्सिमम लिमिट तक अपना दिखाएगा, जितना दूर तक ये जा सकता है कैमरा वो दूर तक का डिस्टेंस कैप्चर करेगा, तो ये हम फार क्लिप से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्कोप बॉक्स। स्कोप बॉक्स के अंदर मान लीजिए आपने सेक्शन वगैरह काटे हुए हैं तो वो भी आप एक्टिवेट करके दिखा सकते हैं। जैसे सेक्शन बॉक्स मैंने किया, एक्टिवेट किया, तो देखो मेरा सेक्शन बॉक्स आ गया है, तो इसे भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कमी या ज्यादा। तो मेरी सीलिंग से छोटा मैं दिखाना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे रख सकता हूं जितना जितना मुझे दिखाना है। इसके अलावा अगर आप यहां से नेक्स्ट आप चले जाएंगे, मान लीजिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रेंडर सेटिंग के अंदर, तो इसका पूरा अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूं, अप्लाई, ये इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रेंडर सेटिंग। रेंडर सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपके पास ये क्वालिटी आ जाएगी कि रेंडरिंग आप किस क्वालिटी में करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे ड्राफ्ट में ही करना है अभी, क्योंकि अगर हम हाई क्वालिटी में करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा रेंडर होने में। उसके बाद यहाँ पे आप किस तरह का एक्सटीरियर दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने सन ओनली रखा है। सेटिंग के अंदर वेदर कंडीशनिंग आप चूज कर सकते हैं, विंटर, समर, फॉल, स्प्रिंग, आपको क्या रखना है वो हम चेंज कर देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड मैं कैसा रखना चाहता हूँ, वेरी क्लाउडी रखना चाहता हूँ, मैं कोई इमेज रखना चाहता हूँ तो मैं इमेज भी डिफाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप वेरी क्लाउडी रखें। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कलरफुल रेंडरिंग वॉक थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे सैचुरेशन वैल्यू मैं प्रीफर करूंगा 1.5 रख लें, तो थोड़ा सा मॉडल आपको ज्यादा कलरफुल, कलर इंटेक्ट काफी बेटर हो जाएगा।
तो ये सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ से वॉक थ्रू का नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया बिल्डिंग वॉक थ्रू, तो ये बिल्डिंग मैंने नाम दे दिया, तो मेरे वॉक थ्रू का नाम अभी हो गया बिल्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद अब फाइनली मैं एक बार वॉक थ्रू आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये पूरा मेरा वॉक थ्रू है, और इस वॉक थ्रू के अंदर जैसे मान लीजिए अब आपको ये भी दिखाना है कि अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जो हमने हाइड किए थे वो वापस से मुझे शो करके दिखाना है। तो अगेन आपको ग्राफिक इस पे जाना है, विजिबिलिटी पे, फर्नीचर पे ऑन कर देना है। ओके, तो मेरे कंपोनेंट्स आ गए हैं, अभी मैं प्ले करके देखता हूँ। तो अभी ये आप चेक कर सकते हैं कि ऑल द वे आपका जो वॉक थ्रू है वो रेडी है पब्लिश करने के लिए। अगर ये रेडी है तो फिर फाइनली वीडियो कैसे बनाना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो अभी ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है या कैफेटेरिया है, आई थिंक कैफेटेरिया है। तो ये पूरा व्यू जो है हमने प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया है, और ऑल द वे ये काफी अच्छा जो है वो लग रहा है। अब देखिए टोटल 1200 फ्रेम है, तो ये धीरे धीरे कवर करेगा एंड लास्ट 1200 फ्रेम तक ये जाएगा। और जिस भी पॉइंट पे आपको लगता है कि आपको अपने कैमरा का एंगल चेंज करना है, तो आप की फ्रेम पे जाके पाथ में उसे कैमरा के एंगल को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ऊपर आप फ्रेम काउंट कर सकते हैं और नीचे आप यहां परसेंटेज देख सकते हैं कितना कितना क्लियर हुआ है। तो अभी हमारा लास्ट पार्ट बचा है दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को हम एक वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, MP4 वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है जिसको आपको प्रेजेंटेशन देना है उसके पास भी रेविट हो और वो भी उसे फंक्शनिंग करना जानता हो। हो सकता है आपको क्लाइंट को देना है, जैसे सबसे पहले हमने डेफिनेशन में देखा था क्लाइंट या जो भी व्यक्ति है जिसको आप ये दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली वीडियो भी बना के भेज सकते हैं ताकि वो अपने फोन में भी प्ले करके देख सके। तो अब देखिए लास्ट स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हम इसका वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो बनाने के लिए ये पूरी सेटिंग करने के बाद हम यहां से इसे पहली फ्रेम पे ले जाते हैं, और यहां से पहली फ्रेम पे जाने के बाद यहां से हम फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, और यहां से हम जाएंगे इमेज एंड एनिमेशन पे, और यहां से हम जाएंगे वॉक थ्रू पे। अब दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये वॉक थ्रू वाला ऑप्शन आपको ऑन तभी मिलेगा जब आपने यहां पे कैमरा को एक्टिवेट किया हुआ है। अगर आप यहां पे प्लान व्यू एक्टिवेट करके रखेंगे तो ये ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट ऑफ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने कैमरा ही एक्टिवेट किया हुआ है, तो आपको वॉक थ्रू पे क्लिक करना है, और वॉक थ्रू पे आने के बाद देखिए अब यहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेंगे ऑल फ्रेम और फ्रेम रेंज। दोस्तों देखिए फ्रेम रेंज का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जो फ्रेम रेंज चाहिए वो 500 फ्रेम से लेकर के और यहाँ से मुझे 1200 फ्रेम तक चाहिए, उससे पहले का मुझे रेंडर ही नहीं करना है। आई थिंक आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैं एक से नहीं रखना चाहता, मैं 500 से रखना चाहता हूँ और मैं 1200 तक जाना चाहता हूँ। तो ये है फ्रेम रेंज, और अगर मुझे पहली ही फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक करना है तो मैं ऑल फ्रेम करूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली मुझसे ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो मुझे ऑल फ्रेम करना है। ठीक है, उसके बाद है फ्रेम सेकंड, मुझे पर सेकंड कितनी फ्रेम को रन करना है, तो मैंने यहाँ पे 8 रखा हुआ है, तो मेरा टोटल जो वीडियो बनेगा वो 2 मिनट के अप्रोक्सीमेटली बनने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसे 4 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ तो टोटल 4 मिनट का मेरा वीडियो बनने वाला है। तो मान लीजिए मैंने इसे कर दिया 10, ये ठीक है। उसके बाद मुझे विजुअल स्टाइल मेरा कैसा चाहिए, तो विजुअल स्टाइल जैसा है अभी बाय डिफॉल्ट मैं वैसा ही रखना चाहूँगा, आप चाहें तो इसे शेडेड भी कर सकते हैं, तो वो कलर के जो शेड्स हैं वो शेड्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है डायमेंशंस, अभी हम इसे वायर फ्रेम कर लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाए, हिडन व्यू रख लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। उसके बाद आता है डायमेंशन आप क्या रखना चाहते हैं, जो रेजोल्यूशन रखेंगे अपनी फ्रेम का वो कितना रखना चाहते हैं, तो वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं।
उसके बाद है ये जूम टू, कितना जूम हो इसे हम 100 ही रखेंगे। टाइम की स्टम्पिंग अगर आप दिखाना चाहते हैं कि कौन सी फ्रेम चल रही है वीडियो के अंदर, जैसे फ्यूचर में आप किसी को भी वीडियो सेंड करें तो वो भी देख पाए कि 500 फ्रेम कहाँ पे है, 1000 जो 1000 फ्रेम है वो कहाँ पे है, तो आप इसे स्टैम्प को ऑन कर सकते हैं। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप इसे ऑफ ही रखें, लेकिन अगर आप दिखाना चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं। अभी फाइनली मैंने ओके किया। ये वीडियो मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पर रखना है और इसका नाम मैंने दे दिया फाइनल वॉक थ्रू। तो ये फाइनल वॉक थ्रू है, AVI फॉर्मेट है, आप JPG में करेंगे तो बहुत सारी 1200 पिक्चर्स सेव हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप JPG या BMP या PNG में जाएंगे तो 1200 का एनिमेशन बनने की बजाय 1200 पिक्चर्स सेव हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपके 300 हैं तो 300 पिक्चर सेव हो जाएंगे। अगर आप उसे वीडियो की शक्ल में देखना चाहते हैं तो फॉर्मेट आपको AVI ही रखना है, ठीक है। तो यहां से हम AVI रखेंगे एंड फाइनली यहां से आप इसे सेव कर देंगे। तो जैसे ही हमने सेव किया, हमारी पहली फ्रेम से हमारा वॉक थ्रू बनना शुरू, फ्रेम ओके, ये देखिए अब ये पहली फ्रेम से आपका जो रेंडर है वो होना शुरू हो चुका है। तो अभी हम ये प्रोसेस होने देते हैं, उसके बाद फाइनल वीडियो चेक करते हैं। फाइनली गाइज हमारा वॉक थ्रू रेडी हो चुका है और हम इसे चेक करते हैं। तो ये हमारी फाइल है और ये आप देख सकते हैं ये हमारा वॉक थ्रू है। ये इस तरह से ये कंप्लीट वॉक थ्रू हमने अभी जो बनाया है, ये डायमेंशन काफ़ी छोटी डायमेंशन है जो फ्रेम रेट में आपने देखा था जब हम यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया था। एंड यहाँ पे वॉक थ्रू के अंदर जो डायमेंशन होती है ये देखिए 823 823 425, ये काफ़ी छोटी डायमेंशन है। तो इस डायमेंशन के अंदर अभी हमने इस पूरे वॉक थ्रू को डिज़ाइन किया है, तो ये छोटी ही स्क्रीन के अंदर ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। अगर आप इसे लार्ज स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और अगर आप वहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा देंगे, जैसे जो आपकी स्क्रीन का साइज़ है, जो डिस्प्ले साइज़ है, मान लीजिए जैसे अभी मेरी स्क्रीन का साइज़ है 1920x1080, तो आप वहाँ पे भी यही इनपुट डालेंगे 1920x1080, तो ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन के ऊपर भी इसकी जो क्लैरिटी है वो उतनी ही अच्छी आएगी। तो उसमें टाइम जो है वो टाइम भी आपका रेंडरिंग टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इस तरह से आप वॉक थ्रू बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ नॉलेज रहा होगा, बहुत कुछ नई चीज़ें आपने इसमें सीखी होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा फ्यूचर वीडियोस हमें किन टॉपिक पे बनाने चाहिए उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल नज़र आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।